प्रैक्टिस टाइम। अभी हमने पेट एनिमल्स और डोमेस्टिक एनिमल्स को अच्छे से समझ लिया है, तो चलिए अब आपको ये एक्सरसाइज मैं दे रही हूँ। आपको इसमें एनिमल्स के नेम पढ़ने हैं और सोचना है कि वो हमें कुछ देते हैं क्या, या फिर उन्हें हम लोग अपनी खुशी के लिए पालते हैं। और आपको पेट एनिमल्स को पहचान कर उनके सामने दिए बॉक्स में पी लिखना है। फॉर द पेट एनिमल्स यू हैव टू राइट पी, एंड इफ देयर इज डोमेस्टिक एनिमल देन यू हैव टू राइट डी। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। हियर इज द नेम, लेट्स रीड। डी ओ जी, डॉग। डॉग इज पेट और डोमेस्टिक? यस, इट इज पेट एनिमल। सो वी हैव टू राइट पी, पी फॉर पेट एनिमल्स। ओके, एंड नाउ लेट्स सी हियर। बी यू डबल एफ ए एल ओ, बफेलो। बफेलो मीन्स भैंस, वेरी गुड। और बफेलो से हमें क्या मिलता है? बफेलो गिव्स अस मिल्क, वेरी गुड। तो ये हमें मिल्क देता है ना, हमारी हेल्प करता है, तो ये कौन सा एनिमल हो जाएगा? डोमेस्टिक एनिमल। यस, तो डोमेस्टिक एनिमल के लिए हमें क्या लिखना है? डी, डी फॉर डोमेस्टिक, इजंट इट? डी फॉर डोमेस्टिक। तो आपको बॉक्स में क्या लिख देना है? डोमेस्टिक का डी, डोमेस्टिक का डी लिख देना है। ओके, इसी तरह आपको सारे एनिमल्स के नेम पढ़ने हैं, सोचना है। और फॉर द पेट एनिमल्स यू हैव टू राइट पी, एंड फॉर द डोमेस्टिक एनिमल यू हैव टू राइट डी।